नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बेरिया में और मेरे पीछे जो आपको भव्य भवन दिख रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि बिहार का पहला ISBT है। जी हाँ, बिहार का पहला ISBT पटना के बेरिया में बनकर तैयार हुआ है और 20 जून को यहाँ से 499 बस का परिचालन शुरू हो चुका है। और अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर, मीठापुर बस स्टैंड के कंपेयर में कितना अच्छा है कितना बुरा। यहाँ तक हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का जगह है और हम मीठापुर बस स्टैंड भी गए हैं, वहाँ पे पार्किंग का, वहाँ पे शेड का कोई जगह नहीं है, वहाँ कोई शेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर शेड बनाया हुआ है, लोग ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ से 5 जगहों का बस शुरू होना है और ऐसी खबर आ रही है कि 15 जुलाई तक ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। आइए चलते हैं और जायजा लेते हैं इस बिहार का पहला ISBT का, जिसको कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल नाम दिया गया है। चलिए चलते हैं। गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो यहाँ जितनी बस इन और आउट कर रही है ना, उसका जो है कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 6 जिला का जितना भी आ जा रहा है उसका, बस का जो जितना इन हो रहा है और आउट हो रहा है, दोनों यहाँ पे मतलब कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सर, एक दिन में कितने बसेस इन और आउट हो रही हैं आप बताएं? इन और आउट ये तो शाम में बताते हैं, जैसे कि लगभग कल रात मैंने गिना था तो उसमें जो है कि 200 से प्लस मतलब कि इन और आउट का मतलब कि रिपोर्ट मैंने बना करके ऊपर दिया था। ठीक है जी। सर, यहाँ पे कहाँ कहाँ से बसेस चलाए जा रहे हैं? ये जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, बिहार शरीफ यहाँ की चल रही है और गया जहानाबाद की पहले से चल रही थी। और सर, बाकी जिलों से कब बस खुल जाएगी? ये पेपर में तो पिछली बार से पता कि 15 जुलाई से मतलब कि चलने लगेगी, अब देखिए आता है तो पता चल जाएगा सबको। और सर, सारे इंटरनल और इंटरनेशनल बसेस का क्या? उसका मालूम नहीं मैम, क्योंकि सब हम लोग पेपर से मतलब कि फॉलो कर रहे हैं, जैसे सरकार जो है कि पेपर के जरिए हम लोग को बता रहे हैं उसी से हम मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार से ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया है? नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, जब आएगा तो पता चलेगा सबको, हमको भी आपको भी। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे काउंटर पे इंक्वायरी ये हो रही है कि जितनी भी बसेस इन और आउट हो रही हैं सबका लिस्ट बन रहा है, सबका नंबर नोट हो रहा है। आइए और अन्य लोगों से बात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ एक गुमटी भी लगा है जहाँ पे चाय बिस्किट की व्यवस्था है। आइए इनसे जानते हैं कुछ। सर, आपको इस बिस्किट से कितना मुनाफा हो रहा है? अभी मुनाफा तो परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सर, रोज कितने लोग आते हैं आपके काउंटर पे? कम से कम 100-150। तो सर, इससे पहले आप कहाँ थे? मतलब दुकान नहीं था, स्कूल में से गाड़ी चलाते थे ट्रांसपोर्ट। तो पहले वाले बिजनेस से ये वाला बिजनेस फायदे में जा रहा है या घाटे में? नहीं, फायदे में ही जा रहा है, ठीक है, अस्थाई है, एक जगह है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ठाक है। पर आपकी क्या राय है, ये मीठापुर बस स्टैंड से देखा जाए तो ये कितना अच्छा है कितना बुरा है? ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। किस तरीके की परेशानी सर? ऑटो से आने का, फिर किराया भी ज़्यादा लगता है, आने जाने की परेशानी, समय की परेशानी। कितना किराया मीठापुर में कितना था और यहाँ कितना ज्यादा बढ़ा है? 20-30 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे, 30 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। और सर, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उस पर आपका क्या कहना है? सुविधाएं तो है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ सुविधा ज्यादा थी। तो मीठापुर बस स्टैंड में ज्यादा सुविधा थी आप ये कह रहे हैं? वहाँ पे मतलब जल्दी ट्रेन उतरते थे, धर लेते थे, चले आते थे। अब यहाँ से ऑटो धरने 20 रुपया लगा, पहाड़ी पर से बैरिया आने में 10 रुपया लगा, 30 रुपया पैसे लगे। इस पर तो कहना है कि तो ठीक है बना है, लेकिन जो ट्रेन के नज़दीक बस स्टैंड रहता ना वो ये नहीं है। ये रात में पैसेंजर आवेगा, कहीं टेम्पो वाला अथी करे, सारे तो सबको देखना है, दूरी बहुत ज़्यादा है। तो सर, आपका फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान है, फायदा जहाँ ट्रेन से आते हैं तुरंत सवारी गाड़ी में बैठ गया तो 10 सवारी ज्यादा होता है, अभी आने में सवारी एक गो आके बैठता है तो 8 गो तो घाटा ही नुकसाने में न जा रहा है, वहाँ 10 गो होता था यहाँ 2 गो हो रहा है, तो नुकसान है,
तो आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से मांग क्या है, हम लोग तो गरीबों को तो जेने पाते हैं उन्हें है जो घुमाते रहते हैं, हम लोग क्या मांगेंगे, हम लोग का मांग पूरा करे हैं आज तक। नहीं आप बोलिए, आपका बात पहुँचेगा सीएम तक, आप बोलिए। तो कहे कि हम लोग का मांग पूरा किया है, गरीबों का मांग कभी पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक लग रहा? अच्छा तो ठीक है, लगे ठीक लग रहा, आमदनी नहीं ना हो रहा और सर, जैसे लोगों का शिकायत है कि आमदनी नहीं हो रहा, घाटा हो रहा। अभी नया नया बना है, अभी नया नया बना है ना, धीरे धीरे सब जान जाएगा ना। और सर यहाँ की सुविधाओं पर आप? सुविधा तो अभी बनिए रहा, सुविधा तो अभी बनिए रहा है। देखिए उसमें माल हम ही गिरा रहे हैं, मीटर लेकर आए हैं, इधर रोड बन रहा है, इधर रोड बन रहा, हम ट्रक के ड्राइवर हैं, इधर में रोड बन रहा है, मीटर लेकर हम ही आए हैं, तो हम क्या बता सकते। ठीक है, जगह ठीक है। कि बिहार में पहला ISBT बना है, उस पर आपका क्या कहना है? तो सही कहना है, सही बना। और सर यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो आपको कितना आनंद दे रही हैं? वहाँ से यहाँ लाख गुना अच्छा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है, जब टोटल गाड़ी यहाँ वो स्टैंड सी स्टैंड आ जाएगा ना, वो अच्छा रहेगा। वहाँ जो भर भर जंगा का पांका में जो पब्लिक जाता था प्लस स्टाफ जाता था, उससे यहाँ लाख गुना अच्छा है। तो सर इतना जो इमारत बनाया गया है, सुविधा दिया गया है, आपको ये सब सही लग रहा है? लग रहा है, सही सुविधा है यहाँ। और सर कितने पैसेंजर्स आते हैं मीठापुर बस स्टैंड से, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कितने पैसेंजर्स आते हैं? अभी मान के चलिए 50% यहाँ है, सारी गाड़ी जब यहाँ जाएगी ना सही हो जाएगा। टोटल गाड़ी यहाँ नहीं रहने के कारण थोड़ा सा गाड़ी वालों को दिक्कत है। पाटलिपुत्र बस स्टैंड, आप लोग का मीडिया भाई का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मीठापुर, समझिए को वहाँ पब्लिक लोग के सुविधा था, और बस अड्डा और स्टेशन 2 किलोमीटर के अंतराल रहना चाहिए। ये सरकार नीतीश बाबू जो बैरिया स्टैंड दिए हैं उनको बहुत धन्यवाद है, वहाँ से तो अच्छा है, बाकी पब्लिक को बहुत कठिनाई हो रही है। और जो यहाँ बिहार नवादा इस्लामपुर और आपको जमुई सिकंदरा और शेखपुरा को गाड़ी भेजे हैं, पैसेंजर उतना नहीं आते जाते हैं यहाँ, बहुत पैसेंजर को लोग का कठिनाई है। और एक और गलती किए हैं नीतीश बाबू, घोषणा किए हैं MBI और DTO साहब कि अपना सरकारी बस भी हम यहाँ बैरिया स्टैंड से खुलवा देंगे, बाकी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनका गाड़ी गांधी मैदान से खुल रही है, वो लाते हैं पैसेंजर और बाहर उतार देते हैं और खाली गाड़ी ला के यहाँ फ़ोटो तिया लेते हैं और टोकन कटा के चल लेते हैं। इसीलिए मैं MBI और DTO साहब से निवेदन करता हूँ, बस चालक और जितना जो स्टाफ है और प्राइवेट गाड़ी के मालिक लोग, उनको ले के हम बोल रहे हैं कि उनको से प्रार्थना है कि वो गाड़ी जो गांधी मैदान से खुलती है वो नहीं वहाँ से खुल के मीठापुर से खुलने का कोशिश करें, और यहाँ व्यवस्था करें, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अच्छा पानी की व्यवस्था नहीं है, न होटल है, पब्लिक लोग को बहुत कठिनाई है, समझ गए। आप लोग का मीडिया भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं सहायता केंद्र पर क्या होता है? यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था पीछे है, शौचालय इधर है, हम लोग गाड़ी का लो आता है उसे सहायता करते हैं, पब्लिक की सहायता करते हैं लोग। और सर कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ शौचालय का अच्छा व्यवस्था नहीं है। शौचालय बगल में लगा हुआ है सर। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पर पीने के पानी, शौचालय और गाड़ी की सुविधा सब है। और सर हम देख रहे हैं वहाँ पे ठहरने का भी कुछ बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में बताएं हमें। ठहरने के लिए सब अभी काम चल रहा है। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा सर? मंथ के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर बने बुकिंग काउंटर का जायजा ले रहे हैं हम, और यहाँ इनसे जानेंगे कि ये कैसे संचालित होता है। सर बताएं हमें। यहाँ से शेयर भाड़ा और रिजर्व में हम लोग जो भी यात्री आते हैं उनको भेजने का काम करते हैं। तो सर यहाँ से बुकिंग होता है जी, और पटना के लिए जहाँ भी जाना है पटना में सब जगह भेज दिया जाएगा। तो सर यहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है? ठीक चल, ठीक ठाक चल रहा है। करीब तो सर आप हमें ये बताएं कि रोजाना कितने ऑटो खुलते हैं यहाँ से? यहाँ से 150 गाड़ी प्रतिदिन खुल जाता है। तो
से आप लोगों का यहाँ अच्छा मुनाफा हो रहा है? नहीं, अभी तो मुनाफा नहीं हो रहा है। हम लोग तो जो यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा हम लोग दे रहे हैं, चूँकि नया स्टेशन है। अभी यात्री आ रहे हैं, पहले मीठापुर जाते थे, उनका भी बजट गर्म है। एक तो लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं। हम लोग जो है एकदम कम किराया में उनको भेज रहे हैं। अब जैसे अब दानापुर आपको जाना है तो हम लोग 70 रुपये के हिसाब से पाँच छोटा वाला गाड़ी जो है 5 सवारी का उसको बैठा के भेज देते हैं। तो आज हमने बिहार में बना पहला ISBT का जायजा लिया, जिसको कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल कहा जाता है, नाम दिया गया है। यहाँ हमने बहुत लोगों से जाना, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं इसे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका घाटा हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे पार्किंग के लिए बनाया गया है, यहाँ तक लोगों के ठहरने के लिए भी जगह बनाई गई है, जो कि मीठापुर बस स्टैंड में नहीं था। मीठापुर बस स्टैंड में पार्किंग के लिए भी जगह नहीं था, पर यहाँ पर है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।